इसमें निकालना अपने आप में चैलेंज है भाई। निकल गया निकल गया निकल गया भाई। ओ भाई क्या व्यू है, ओ जबरदस्त। गाइस चेक करो यार, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना पिक्चर अभी बाकी है। तो गाइस अभी दुमुहानी से हम लोग निकले हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और देखिए 3 गाड़ियां हमारे आगे हैं और 1 गाड़ी हमारा पीछे है, यानी हम लोग टोटल अभी 5 मेंबर्स हैं। और गाइस ये रास्ता देख के आप बताओ कौन सा रास्ता है भाई और कैसा है इधर का व्यू। और आज जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग ऑफ रोडिंग भी तगड़े वाला करेंगे और एक बढ़िया सा वाटरफॉल जा रहा है जो कि हमारे जमशेदपुर से बहुत ही सामने है। तो गाइस अभी पहुंचे हम लोग दिल्ली दरबार हाईवे और हमारी बाइक है यहाँ पर और चलिए अब नाश्ता पानी किया जाए। तो भाई इधर का व्यू देख लो आप, देखो क्या मिलता है हम लोग को ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह। तो गाइस यहाँ पर हमारे ब्रेकफास्ट आ चुके हैं और यहाँ पर देख लो बादल भाई पहले ही रेडी हो गए यहाँ पर। तो देख लो भाई को, मरीन भाई तो फोन में लगे हुए, मुझे भी देख के भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा, भाई लोग पहले शुरू कर चुके हैं। चलिए बराबर खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस देख लो भाई लोग हमारे यहाँ मज़ा करते हुए और अभी हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया भाई, चला जाए यहाँ से फटाफट। और इधर हमारा हाईवे और बचपना इनका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, भले ये बड़े हो गए लेकिन अभी दिल से अभी भी छोटे हैं। तो भाई अभी हम लोग दिल्ली दरबार से निकल चुके हैं, यहाँ पर चाय नाश्ता हो गया भाई, दबा गए एकदम तगड़े वाला। तो यार काफ़ी हम लोगों ने टाइम वहाँ पर रह के मज़े किए और अभी 9 बज गया यार, बातों बातों में टाइम का पता भी नहीं चला। और अब लग रही थोड़ा मौसम में गर्मी सा, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहले सोच रहे कि पलना डैम जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग वाटरफॉल जाएंगे। तो चलिए फटाफट निकलते हैं भाई। तो गाइस जमशेदपुर से चलने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं पलना जलाशय और ये छोटा सा मार्केट है भाई और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का जैसा है। पानी लगा ना नवीन भाई, इधर का गाइस व्यू देखो तगड़े वाला, ओ भाई जबरदस्त लग रहा है। ये भी छोटा सा डैम है, पलना डैम है, पलना डैम बोल लीजिए या पलन डैम बोल लीजिए, छोटा सा है लेकिन बढ़िया सा है। और इसकी खूबसूरती, इसकी भी खूबसूरती कम नहीं है भाई, बहुत लाजवाब है। सामने हमारा पहाड़ है और उधर भी पहाड़ी पहाड़ है यार, क्या खूबसूरत है। इधर कुछ लोग नहा रहे हैं। तो भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमने जाना है वाटरफॉल, तो यहाँ रुक के अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये थोड़ा सा ख़राब रास्ता है लेकिन देखो हम लोग थे उस छोर पर, अभी आ गए इस छोर पर, लेकिन व्यू तगड़े वाला मिल रहा है। अब चेक करो व्यू, चेक करो खूबसूरत मिल रहा है ना इससे यार। चलो गाइस फटाफट इधर से निकलते हैं हम लोग, फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से। इस तरफ तो यार पूरा रोड खराब है यार, कहाँ से निकलूँ? ये निकलने के लिए देखना पड़ेगा ये 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 ये, ओ भाई जबरदस्त। ये दुकानें बनी हुई है, लग रहा है यहाँ पर मार्केट वगैरह लगता है। ये देख लो आप, ये गांव में कुछ इस तरह का, यहाँ पर संडे मंडे या कुछ होगा कोई डे, ये सब जगह में ऐसी दुकानें लगती है। फिलहाल अभी लगी नहीं है लेकिन लगेगी तो जबरदस्त लगेगी। ऑफ रोडिंग के लिए ड्राइविंग स्किल होना चाहिए, नहीं तो देख गड्ढे में कूदा के ले गड्ढे में कूद जा और कुछ नहीं। इसकी माँ का भाई पूरा खतरा सीन है। बस तैयार रहना है,
भाई हम खेत में चला रहे हो, देखो हमारा वाटरफॉल। गाइस सामने दिख रहा रास्ता, इस रास्ते क्रॉस करके जाना है, सामने वाटरफॉल दिख रहा है हमारा, शानदार सा सुंदर सा है, लेकिन लोचा है भाई। भाई मेरे चक्कर में ये लोग फंसेंगे तो भाई। तो गाइस अभी नवीन भाई यहाँ पर सबसे पहले इस कीचड़ को पार करेंगे, बाकी सभी बाइक पीछे लगी है, इनको एक्सपीरियंस काफी है, तो भाई लोग इन्हीं के रास्ते कदम पर चलेंगे। और भाई भाई बच गया, आ जाओ। और भाई अरे जियो शानदार जबरदस्त, आगे फंस गया क्या? ओ भाई आप देख सकते हो गाइस कैसा रास्ता है आप लोग के लिए यार, हम लोग कहाँ कहाँ घुस जा रहे हैं भाई। इसी बात पर वीडियो को लाइक करना यार, चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाना। भाई सभी का जोश देखने के बाद अब बारी है अपना जोश दिखाने का, बहुत तो डायलॉगबाजी कर लिया मैं। जबरदस्त यो भाई खतरनाक रास्तों को पार कर रहे भाई, अलग ही लेवल का मजा आ रहा है और एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है, मेरी बाइक हल्की से यार कहीं से ही निकल जा रही है। ओ भाई एक मिनट रुकिए भाई, निकाल लिया भाई। अब उनको देख के मेरे को डर लग रहा है, अब उनको देख के मेरे को डर लग रहा है। ओ भाई बहुत खतरनाक, बहुत हार्ड ध्यान नहीं आया। A few moments later. तो गाइस आप वो देखिए सामने हमारा वाटरफॉल। भाई सबसे पहले कौन चढ़ेगा आगे? तो भाई मेरे बादल भाई आगे चल रहे हैं और वो हम लोगों का रास्ता दिखाएंगे, हम लोग उनके पीछे पीछे। भाई काफी खतरनाक रास्ता है, इजीली चल गया यार, देखें अरे महाकसम गाइस, अरे तेरे तो ओ भाई। तो गाइस इधर देख लो हम लोग कितनी मेहनत करके जा रहे हैं, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में ड्रोन, कोई सपोर्ट नहीं है, बस भाई हम लोग आगे बढ़ रही है। देखो भाई लोग हमारे भाई, चलो। तो गाइस ये थोड़ा सा गीला है, स्लिप भी कर सकता है। ओ माय गॉड स्लिप कर रहा है। ये देखो भाई हमारे साथ में हमारी टीम, और इधर का व्यू देख करो खूबसूरत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा भाई। सुंदर व्यू जितना लेना है उतना ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भाई मज़ा तो इसी में है, तो हम मजा को भाई पूरा एंजॉय करना चाह रहे हैं। आप पीछे मेरे बादल भाई है वो पूरा एकदम जोश में है, और ये चेक करो गाइस, ये सामने का व्यू चेक करो, और ये हमारा रास्ता है जो हमें ऊपर हमारे डेस्टिनेशन पर लेके जाएगा। अरे तेरे ओ भाई क्या व्यू है, ओ जबरदस्त गाइस चेक करो यार, वाकई बहुत खूबसूरत है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग हिसा कोचा वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, और ये देखिए क्या गजब का है यार, कैमरा में सही आपको पता नहीं चलेगा भाई, जो आंखों से देखने का मजा है ना वो कहीं नहीं है, खूबसूरत लाजवाब।
आप इधर का व्यू देख लो पूरा चारों तरफ। हम लोग वो रास्ते से आए हम लोग और फाइनली हम लोग अपने जगह पर पहुँच चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस चलिए अब यहाँ से चला जाए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया साथ में हम लोग। इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो भी ले लिए भाई, और इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं किया हो तो फटाफट फॉलो कर लो मुझे, और लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो चलिए अब चला जाए यहाँ से। तो गाइस यहाँ आना जितना मुश्किल था ना, जाना भी यहाँ से उतना ही मुश्किल है। आप ये देखो, ये देखो, अब तो भाई उतरना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरा ढलान है, और एक भाई इधर नवीन हमारा है। तो चलिए अब चला जाए भाई, जितना हो सके संभल के यहाँ से निकला जाए। तो गाइस ये रहा हमारा वाटरफॉल जो हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया। अब हमारी बाइक इधर कतार में लगी है, सब एक लाइन से निकल रहा है। चलिए हम भी अपना आगे बढ़ते हैं। लो भाई आते समय जो हमें मिला था कीचड़ भरा रास्ता फिर से मिल चुका है। इसे पार करना अपने में एक चैलेंजेस है, और जो पार कर लिया वो खतरों खिलाड़ी है। पूरा चक्का घूम जा रहा भाई। पूरा चक्का घूम जा रहा भाई। भाई पूरा ये खतरनाक रास्ता देख सकते हैं। हाँ इधर खेत है, इधर ट्रैक्टर चल चल के पूरा रास्ता एकदम ऐसा तैसा कर दिया है भाई। अब यहाँ से गाड़ी को निकालना है भाई। तो भाई यहाँ पर साइलेंसर लगेगी, पैडल लगेगा, और ये हम निकल चुके हैं यहाँ से। और ये खतरनाक, इसको पार करना यार बहुत खतरनाक वाला काम था भाई। इसकी माँ का भाई, ये हम लोगों को बहुत तंग किया ये रास्ता, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। इसमें निकालना अपने आप में चैलेंज है भाई। हम आपको देखे ही नहीं, नवीन कहाँ से ला रहा, पीछे से लाना भाई। रुकिए चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, हल्का मट्टी काटेगा तो भाई। बस बस निकल गया। चल भाई तुम मेरे भाई पार कर, अब चला जा भाई। चलो धक्का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा अगर फंसेगा तो। भाई निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलो भाई चलो यार, चलो भाई सब निकल गए, अब चला जाए यहाँ से। ओ भाई भाई चक्कर डरा रहा था मेरे को, पर मिट्टी होने के चलते स्लिप कर रहा है, मुझे लगा पंचर हो गया, पंचर हो जाना से यार हालत ख़राब हो जाएगा।
क्योंकि ये रोड है ना बहुत ख़राब है। चलिए सब निकल चुके हैं, ये छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग है, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। बीचों बीच निकलते हैं, यही तो है भाई ऑफ रोडिंग का मज़ा, लेकिन इसमें सजा भी हो सकता है। तो गाइस अभी हम लोग हाईवे पर आ गए यार, बहुत ही ख़राब रास्ता था। अगर एडवेंचर का मज़ा लेना है तो भाई आप लोग ज़रूर जाओ, बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है और बहुत ही खूबसूरत है। अब हम लोग का तैयारी है कि भाई चलेंगे हम लोग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट्स में जाके खाना वाना खाएँगे, देन अपने अपने घर को निकलेंगे।